हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी विषय की भाषा की यहाँ पे पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान, जिसका अगर क्लास पूछा जाए, कक्षा पूछी जाए तो क्लास टू के लिए है यहाँ पे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे वीडियो बनाई जा रही है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की गई है BTC वाले बच्चों के लिए, क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के बच्चों के लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है, क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के। तो काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, 50-50, 60-60 वीडियोज़ मिल जाएंगे एक एक सब्जेक्ट के। लेकिन क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए आप लोगों को कम वीडियोज़ मिल रही थी, तो उसी सीरीज में आप लोगों को मैंने बताया था कि 20 से 25 वीडियो सभी सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक सब्जेक्ट की 20-20, 25-25 वीडियो। उसी सीरीज में यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोज़ प्रोवाइड भी करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसी में आज की हमारी वीडियो हिंदी विषय की, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, ये चैनल बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप लोग BED वाले हैं बच्चे, BTC वाले हैं या फिर DLED वाले हैं, कोई भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोर्सेज़ को कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिल रही है, तो चैनल बनाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए जो कार्य कर रहा हूँ वो अच्छा कार्य कर रहा हूँ। और अगर डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है, बिल्कुल फ्री है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान। अब यहाँ पर आप दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिसमें एक कॉलेज में फाइल आपको प्रिंट करके मिल जाती है जिसमें आपको सिर्फ फिल करना होता है, जैसे यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा कॉलेज होता है जिसमें सिर्फ सिंपल सी एक फाइल मिल जाती है, उसमें कुछ भी लिखा नहीं रहता, कुछ भी, जैसे यहाँ लिखा गया ये सारी चीज़ें ये कुछ नहीं लिखी रहती हैं। तो उसमें बच्चा क्या होता है, जब शुरू शुरू में लेसन प्लान बनाने के लिए उसको कहा जाता है या सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए कहा जाता है, तो काफ़ी डर जाता है, उसको समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि कॉलेजेस में, स्कूलों में आप लोगों के कोई भी टीचर आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं देता है। तो वहाँ पे डर के क्या करता है, वो बना नहीं पाता वो उस चीज़ को। इसलिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, छोटे बच्चों के लिए ये लेसन प्लान है तो उसको कैसे बनाएंगे, बड़े बच्चों के लिए कक्षा 6 से 8 तक या 12 तक के बच्चों को बनाना है लेसन प्लान तो वो कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो एक एक चीज़ इसलिए मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। देखिए, जैसे लिखा गया पाठ योजना या फिर लेसन प्लान, दोनों में से एक चीज़ लिखना है, पाठ योजना लिखिएगा, उसके सामने नंबर ऐसे करके नंबर कर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 जो भी नंबर होगा पाठ योजना का उसको लिख लीजिएगा। शिक्षक प्रशिक्षु का नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर, ट्रेनिंग लिखना है यानी आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, नामांकन संख्या लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है यानी कि आपको अपना रोल नंबर लिखना है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं लिखने के लिए कहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पाठ योजना संख्या, जैसे यहाँ लिखे लिखा गया है। विषय है यहाँ पर लिखा गया, देखिए, भाषा हिंदी, कक्षा हमारी आज की है 2, क्लास 2 है, दिनांक यानी डेट लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ योजना पढ़ाई थी। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस चैप्टर को, इस चैप्टर को आप जो पढ़ाने जा रहे हो क्लास टू के, किस पीरियड में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, फर्स्ट पीरियड में जाएंगे, सेकंड पीरियड में जाएंगे, तो उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है आपको, आप अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहाँ का नाम नहीं लिखना है, जिस विद्यालय में आपकी, आपको पता है कि जिस विद्यालय में से आप BED BTC कर रहे हैं उसी में ट्रेनिंग नहीं होती, आपकी टीचिंग की ट्रेनिंग जो होती है किसी आसपास के विद्यालय में आपको भेजा जाता है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखना होता है। समय अवधि यहाँ पर 40 मिनट का लिखा गया, आपको जितना समय दिया जाए आपके कॉलेज की तरफ से उसको लिखना है यहाँ पर। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है कद्दू जी की चली बारात, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आसान है, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, छोटे बच्चे हैं। तो अब उसके बाद दोस्तों आता है हमारा अगला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। देखिए यहाँ पे सामान्य उद्देश्य इस तरीके से आपको लिखना है, सामान्य उद्देश्य का यहाँ पे मतलब होता है आपका जो विषय है, हमारा आज का विषय क्या है, हिंदी। हिंदी विषय पढ़ाने के बाद एज ए शिक्षक, आप शिक्षक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं क्लास में, शिक्षक प्रशिक्षु हैं, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाने का आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, बच्चों को क्यों हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर किस टाइप का विकास करना चाहते हैं हिंदी विषय पढ़ाने के बाद, तो उसी चीज़ को यहाँ पे कम से कम 3 से 4 पॉइंट में लिखना होता है सामान्य उद्देश्य में, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया, छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को हिंदी शब्दों के सही उच्चारण का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है, छात्रों में कविता के माध्यम से वस्तुओं को समझने की क्षमता उत्पन्न करना। फोर्थ पॉइंट है, छात्रों में भाषागत कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है, बच्चों में राष्ट्रभाषा व मातृभाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। अब अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बारे में आप जानते होंगे, जैसे बड़े बच्चे हैं तो उनको कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसका पढ़ाने का कई उद्देश्य होता है,
तीन चार उद्देश्य होते हैं कम से कम। लेकिन छोटे बच्चे हैं, क्लास टू के बच्चे हैं, तो आप अगर काफ़ी उद्देश्य लेके पढ़ाएंगे कोई चैप्टर तो वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनकी अभी उनका विकास कम हुआ है। तो एक उद्देश्य लेके एक चैप्टर पढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिए वही उद्देश्य लिखा गया है यहाँ पे, छात्रों को कविता के माध्यम से विभिन्न सब्जियों के नाम की जानकारी देना। तो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद विभिन्न सब्जियों के बारे में, के नामों के बारे में जान जाएंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे देखेंगे, अगली हेडिंग हमारी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया फ्लैश कार्ड पर बने चित्र, सब्जियों का चार्ट आदि। आप एक फिगर चार्ट ले लीजिए, उस पर कुछ सब्जियों का फिगर बना लीजिए, उनके नाम लिख लीजिए, ठीक है, उनके कलर भी लिख सकते हैं उनके साथ, रंग, ये सारी चीज़ें बना के ले जाएंगे तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट उनके अंदर आएगा, वो चैप्टर पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। अगला हेडिंग अब आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए बच्चों के सामने ये लिखना है आपको, बच्चों को, बच्चे शादी विवाह व सब्जियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। दूसरा है वर्णमाला का ज्ञान भी बच्चों को है, तो इतना नॉलेज है बच्चों को। अब अगली बार यहाँ पे देखिए लिखा गया अगला हेडिंग क्या आता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रस्तावना में कुछ फेरबदल करने होते हैं प्रस्तावना प्रश्न में, उसका यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रस्तावना प्रश्न बनाए जाते हैं उसमें यह बनाया जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनको आप अगर जिगजैग फॉर्म में क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़े से ऐसे क्वेश्चन जो तार्किक हों जिससे बच्चे उसका आंसर ना दे पाए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें जिसका आंसर वो सरलता से आसानी से दे सकें। तो यहाँ पे जिगजैग का आपको ध्यान नहीं रखना है उतना ज़्यादा, बन रहा है जिगजैग तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो सरल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछिए, छोटे बच्चे हैं उनको आंसर देना है उस चीज़ का और प्रकरण की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, बारात में जो लोग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे बाराती कहते हैं। दूसरा प्रश्न फिर पूछेंगे बच्चों से आप, बारात में बाराती क्या करते हैं, बच्चे बोलेंगे नाच गाना। तीसरा प्रश्न है बारात में दूल्हा किसे लेने जाता है, बच्चे बोलेंगे दुल्हन को। फिर चौथा प्रश्न है कद्दू जी की बारात में कौन कौन जाएगा, उनको कहानी के बारे में पता है कद्दू जी की बारात, तो बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे डिटेल में, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई बच्चा बताने की कोशिश करे, लेकिन संभावित उत्तर हो जाएगा, संभावित उत्तर लिख दीजिए यहाँ पे। अब जैसे संभावित उत्तर होगा यहाँ पे अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना है, उस तरीके से अपनी फाइल में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, बच्चों आज हम कद्दू जी की बारात नामक कविता पढ़ेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप कविता के बारे में पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर में। आप प्रस्तुत कर सकते हैं उस कविता को, यहाँ पे दो कॉलम बनाइए, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, एक तरफ अगर लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं, मतलब छात्र उसके पढ़ने के बाद क्या समझेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक क्रिया में, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका छात्रों को विभिन्न सब्जियों के चार्ट को दिखाते हुए भाव भंगिमा सहित कविता वाचन करेगी। अब दोस्तों यहाँ पे कविता है तो कविता को कविता की तरह पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि उसको बस एक वर्बल तरीके से धीरे धीरे पढ़ते चले जा रहे हैं। कविता है तो उसको लय गति के साथ पढ़िए, जिससे बच्चे आपके जो पढ़ा रहे हैं उनको उस आपकी तरफ आकर्षित हों और उनका मन लग सके आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में। जब कविता को की तरह पढ़ेंगे तो उनको लगेगा हाँ कुछ अच्छी चीज़ पढ़ाई हो रही है, वो आपकी तरफ ध्यान देके उस चीज़ को सुनेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कविता को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात, बैगन की गाड़ी के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, मेथी भिंडी पालक तोरी टिंडा मूली गाजर, बने बराती नाच रहे थे आलू मटर टमाटर। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ज़रूर वो आपकी तरफ, सारे बच्चे, अगर किसी बच्चे का मन नहीं भी लग रहा होगा क्लास में तो भी वो आपकी तरफ आकर्षित होगा, पढ़ाई में मन लगाएगा। और छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है यहाँ पे, छात्र कविता सुनेंगे तथा छात्र भी कविता दोहराएंगे पीछे पीछे, उनसे बोलिए कि आप भी धीरे धीरे कविता को दोहराइए मेरे साथ। अब इसके बाद श्यामपट कार्य आता है। श्यामपट कार्य में देखिए यहाँ पे लिखा गया है सब्जियों के नाम, पहला कद्दू, दूसरा बैगन, तीसरा शलजम, चौथा प्याज, पांचवा मेथी, छठवां पालक, सातवां भिंडी, आठवां तोरी, नौवां टिंडा, दसवां मूली, 11 नंबर का गाजर है, 12 नंबर पे है आलू, 13 नंबर पे है मटर, 14 नंबर पे है टमाटर, 15 नंबर पे है लौकी, 16 नंबर पे है कटहल, 17 नंबर पे है करेला। इसी के साथ अगर आप लोग और भी सब्जियों के नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, कम से कम 20 सब्जियों के नाम तो लिख के ले जाइए, बच्चे उसको ध्यान से देखेंगे। निरीक्षण कार्य है, निरीक्षण कार्य में जब आप श्यामपट कार्य लिख देंगे तो बच्चों से कहेंगे कि वो श्यामपट कार्य को अपनी कॉपी में उतार लें, लिख लें। जब वो उतारेंगे, लिखेंगे उस चीज़ को, तो आपका क्या कार्य है छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक छात्रों को कि कार्यों को निरीक्षण करेगा, क्लास में एक बार घूम के देख लीजिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आ रही हो। जब किसी एक बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो वहीं पर उसको सॉल्व कर दीजिए, उसकी दिक्कत को दूर कर दीजिए। अगर कुछ ज़्यादा बच्चे हैं, 6-7 बच्चे, 8 बच्चे हैं जिसको एक सेम दिक्कत आ रही, समान दिक्कत आ रही है, तो उसको श्यामपट पर जाके एक साथ सभी की दिक्कतों को दूर कर दीजिए। अब लास्ट में आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, हेडिंग डालना है आपको। पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है किस सब्जी की बारात जा रही थी, तो बच्चे बोलेंगे कद्दू की। दूसरा प्रश्न है कौन कौन
बाजा बजा रहा था, तो यहाँ पे बाजा कौन बजा रहा था, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, तो यहाँ पे बच्चे उसका आंसर देंगे। और लास्ट में यहाँ पे आपको होमवर्क, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में गृह कार्य जरूर लिखना है, यहाँ पे गृह कार्य लिख लीजिएगा थोड़ा सा इसको अच्छे से, यहाँ पे मैं मोबाइल में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा इसको गृह कार्य लिख के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए जरूर दे दीजिए। थोड़ा सा मिस हो गया, वो लिखा नहीं गया है, तो उसको बस इतना ही ध्यान दीजिएगा, कोई एक प्रश्न देना है, जैसे आपको यहाँ पे मैं प्रश्न बता भी देता हूँ, बच्चों को गृह कार्य में लिख दीजिएगा, दे दीजिएगा प्रश्न लिख के ले आने के लिए कि 20 सब्जियों के नाम या 15 सब्जियों के नाम आप लिख के ले आइएगा, तो बच्चे उस चीज़ को घर पे जाएंगे, रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से जब रिवाइज करेंगे तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था ये चैप्टर वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो से अगर आप लोगों को लाभ मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।